जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। लगातार पंचायत के दौरा कर रहा हूं, हर पंचायत में हर गांव में घूम रहा हूं और वहां पे नए नए प्रत्याशी से पुराने प्रत्याशी से या जो प्रत्याशी वर्तमान में सम्मिलित थे, अपने कार्यकाल को संभाल रहे थे, उन सभी से हम कोशिश करते हैं बात करने के लिए कि भाई उनका मुद्दा क्या है, किस तरह से 5 साल का कार्यकाल रहा, क्या उन्होंने विकास किया और क्या होने वाला है। इसी क्रम में मैं पहुँचा हूँ मझोले पंचायत में और मझोले पंचायत में एक प्रत्याशी के प्रति जनता लोग, उनके समर्थन लोग घूम रहे हैं लोग और उनके लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में खड़े हैं और इनका नाम है कि एक दस्त एक समर्थन में है, उनके इतने प्रति मतलब समर्थन है कि उनके पोस्टर को अपने शरीर पे चिपका चुके हैं। इनका नाम है अनिल कुमार सिंह और ग्राम पंचायत दर्ज मझोले क्षेत्र संख्या 17 से पंचायत समिति सदस्य BDC पद हेतु चुनाव लड़ने सहयोग्य हैं, शिक्षित हैं, संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं और समाज सेवी प्रत्याशी लिखवाए हुए हैं। अब इन सब पे हम सवाल करते हैं यहाँ के जो समर्थन है। सबसे पहले आप लोग उनके समर्थन में जो क्या नाम इनका? अनिल कुमार सिंह, ये प्रत्याशी BDC के हैं। BDC प्रत्याशी हैं मझोलिया पंचायत। पहली बार लड़े, दूसरी बार लड़े? दूसरी बार, वर्तमान में भी है। अच्छा, वर्तमान में BDC थे। अभी दोबारा भी लड़ रहे हैं। चलिए, तो ये वर्तमान में थे तो अब उनके समर्थन आप लोग हैं जी। तो भाई 5 साल में क्या किया है, उन्होंने किया है, किस तरह काम किया है? अच्छा काम किया, हर जनता के लिए एक अच्छा अनुभव है। हर आदमी के पास जा के उन्होंने जो काम किया है वो इनसे अच्छा कोई BDC नहीं कर पाएगा। प्लस एक बात और है, जो हमारे जो ब्लॉक है उसके उप प्रमुख भी रह चुके हैं। उप प्रमुख भी रह चुके हैं, तो लगता है कि इस बार प्रमुख बनने के दौर बनते हैं क्या जी? चांस तो नहीं है, लेकिन ये प्रमुख बनने के ख्वाहिश नहीं रखते हैं, लेकिन उनको उप प्रमुख इनकी ईमानदारी की वजह से बनाया गया। अच्छा। मतलब इनकी वो इतना ईमानदार है, उतना ईमानदार हमको लगता है कि इस माने संख्या नंबर 17 में, चाहे विधानसभा क्षेत्र में भी, चाहे प्लस और एक और बात है कि जो BDC प्रत्याशी हैं प्लस यहाँ का संसद, हमारे क्षेत्र के संसद प्रतिनिधि भी हैं। अच्छा। और एक सिवान लोकसभा क्षेत्र के सांसद जो है कविता सिंह, उनके प्रतिनिधि भी हैं, संसद प्रतिनिधि भी हैं, जिला अधिक ब्लॉक ब्लॉक के। कितने संसद प्रतिनिधि हैं? बहुत लोग उधर देख रहे हैं कि उधर लोग भी संसद प्रतिनिधि के कोई है। जैसे कहने का मतलब कि हर पंचायत का एक प्रतिनिधि होता है, तो ये हमारे मझोले पंचायत के एक प्रतिनिधि हैं। पंचायत का प्रतिनिधि है। तो क्या उद्देश्य इस बार लेके आ रहे हैं? 5 साल का जो कार्यकाल रहा, क्या क्या विकास हुआ, नाला नाली रोड का किस तरह से मैंने कुछ काम हुआ गया एकदम सबको, जिसे जितना जैसे मान ली अभी प्रधानमंत्री स्वच्छ योजना के अंतर्गत हर घर में लाइटिंग, शौचालय का अच्छा खासा योगदान रहा। आप क्या कहेंगे, साथ में घूम रहे हैं? देखिए, अनिल कुमार सिंह जो है एक योग्य व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति और सामाजिक व्यक्ति, इस तरह का प्रतिनिधि जो बड़ी कम ही पंचायत से लेकर के हमारे प्रखंड स्तर पर इस तरह का ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग इनके समर्थन में तन मन धन लेकर के चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे, साथ में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आप लोग जब घूम रहे हैं तो दूसरी बार आप लोग मतलब जीतना चाहते हैं, तब जनता संपर्क करते हुए कितना रिस्पॉन्स मिला, क्या मतलब रिस्पॉन्स हमको बहुत अच्छा मिला है और हमारी सीट मतलब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सीट दोबारा भी निकल रही है। आप क्या कहेंगे? भैया जीत रहे हैं, हम लोग फिर भी अपील कर रहे हैं, हमारे पहले भैया जीत रहे हैं, 5 साल में जो काम हुआ था बहुत अच्छा काम किया है। व्यक्तिगत तौर पे उनका जितना वोट है, हम लोग जितना वोट घूम के मांगेंगे उससे हमको लगता है कि 200 गुना वेट उनका व्यक्तिगत प्रत्याशी घूम रहे हैं, पंचायत में घूम रहे हैं। हाँ, वो ऐसे प्रत्याशी हैं, ना उनका कोई गाड़ी है अनाउंसमेंट का, ना कोई साथ में है, नामिनेशन में भी कोई ऐसा प्रत्याशी है जिसमें 2 आदमी गया हो, एक प्रस्तावक एक हो, हमको तो नहीं लगता है। उप प्रमुख भी रह चुके हैं, उनके समर्थन में हम लोग तन मन धन से खड़ा है, लेकिन हम लोग को भी वो नहीं बताया कि हम जा रहे हैं।
अच्छा। हाँ, नॉमिनेशन कराने के बाद आके बोल रहे हैं कि भाई हम नॉमिनेशन करा लेंगे। जब इतने बड़े छवि के अच्छे इंसान मतलब दिख रहे हैं तो क्या लगता है मुखिया पद में चुनाव लड़ते हो? नहीं, मुखिया हमारे पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, एसटी है, रिजर्व सीट है। जिला परिषद वो नहीं चाहते जिला परिषद लड़ने के लिए। अब अगली बार हम लोग कोशिश यही रहेगा या तो मुखिया लड़े नहीं तो जिला परिषद से लड़े। हम लोग प्रयास करेंगे उनको प्रोत्साहित करने के लिए। अब देखिए क्या होता है अगली बार। 12 तारीख को मतलब परसों आप लोग चुनाव होने जा रहे हैं क्षेत्र में जी, क्या अपील करते हैं जनता से? हम जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि भाई आप कृपया हर एक आदमी घर से निकल के अपना मत का प्रयोग करें और हमारे अनिल भैया को भारी मतों से विजयी बनाए। मैं भी यही करना चाहता हूँ, जो इनका चुनाव चिन्ह नारियल छाप पे वोट लगा के भारी मतों से एक नंबर बटन दबा के भारी कमान चुनाव वोट रहे तो इसमें क्या आपके इसमें चार चार लोग हैं, चार लोग हैं ना, चार लोग में से इनका एक नंबर स्थान मिला हुआ है। अनिल कुमार सिंह नाम होंगे ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखवा है, इनका लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा विकास, सेवा, हमारा धर्म। हम ना सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, हम सिर्फ जनता के जरूरत देखते हैं। इसमें क्या मतलब? ये बात को मैं 100% सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि ये जो चीज लिखा हुआ है। आप ये अनिल सिंह को आप 12 बजे रात को फोन कीजिए, दिन को छोड़िए 12 बजे रात को फोन कीजिए कि अनिल भैया हमको ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ा आइए। हाँ, वो उस टाइम आपके पास जाएंगे। तो ये काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। लोगों की सेवा करना है इनका लक्ष्य है, इनका सेवा ही प्रधानता है। ग्राम पंचायत राजमझुले में बीडीसी की संख्या 2 है कि 1 है? 2 है, दो मतलब यहाँ बीडीसी की सीट है जी। तो यहाँ से एक कितने से लड़े हैं? 17 से। 17 से मतलब पंचायत में कितना वार्ड है? 14 वार्ड है। तो ये कितने से कितने लड़े हैं? 1 से 7। नहीं, 1 से 7 नहीं है, 8 से 14। 8 से 14 लड़े हैं, मतलब क्षेत्र संख्या 8 से 14, मतलब वार्ड इनके क्षेत्र में 8 से 14 वार्ड आते थे ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये वार्ड आएंगे इनके क्षेत्र में, और क्षेत्र संख्या 17 है। तो बीडीसी पद से चुनाव दूसरी बार लड़ रहे हैं, यानी कि बीडीसी वर्तमान में थे, वर्तमान में थे तो अच्छे थे, मतलब एकदम बहुत अच्छे थे। जितना फंड है वो सही तरह हुआ? हाँ, वो अगर अच्छे नहीं रहते तो कम से कम सबको ही अपना अपना हर चीज चेंज कर लिया। हाँ। उन्होंने आज तक तो कोई नहीं किया, आज उन्हें जो आज से जो पहले था आज भी जुड़े हैं, अभी आ रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। इसी प्रत्याशी ग्रुप में दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, जीते थे, यानी कि वर्तमान में बीडीसी ग्रुप में सम्मिलित थे 2016 से लेकर 2021 के बीच में। क्या कुछ कहेंगे जैसे अभी आपकी जनता के समर्थन से मैंने बात किया, जनता से जो आपके समर्थन वाले लोग हैं काफ़ी आपके समर्थन दे रहे हैं, काफ़ी बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार आपकी जीत कितनी प्रतिशत निश्चित है? देखिए, हमारी जीत 100% है। हाँ। और हम क्षेत्र में विश्वास के साथ विकास किए हैं। अच्छा, हमारे सारे जनता के अंदर हमारे प्रति विश्वास है। हाँ। विश्वास और ईमानदारी ये हमारे प्रति है, और हम कोई ऐसा घर नहीं है जिससे हम परिचित नहीं है, वो लोग हमसे परिचित नहीं है, हमसे हर जनता से लगाव है, वो औरत हो या मर्द हो, हर घर में सबसे लगाव है, और सारे लोगों के पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। ये एक प्लस पॉइंट है जिससे हम हर समय जनता से जुड़े रहते हैं, हर सुख दुख में जनता के साथ उपस्थित रहते हैं। अभी क्या आपका मतलब दायित्व बनेगा, इस बार चुनाव जीतते हैं तो क्या अपील करते हैं, क्या काम करने का प्रक्रिया इस बार? इस बार हम अगर इलेक्शन जीतते हैं और जीत रहे हैं तो जितना भी अधूरा काम है, हम लोग पंचायत समिति हैं जो प्रखंड से जुड़े हैं, प्रखंड से संबंधित जितना भी काम है हम कॉन्टेक्ट नंबर हर घर में दे दिए हैं कि आप लोग हमसे कॉल कीजिए और बिना हिचके और बिना आपके गए हुए प्रखंड का सारा काम हम कराएंगे। अनिल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनिल कुमार सिंह, बीडीसी प्रत्याशी, क्षेत्र संख्या 17, मझौलिया पंचायत। इस बार चुनाव चिन्ह क्या मिला? इस बार चुनाव चिन्ह नारियल छाप, एक नंबर पे। एक नंबर पे है तो ये तो बहुत लक अच्छा है कि अभी तो एक मिल गया है, तो फिर आप जीत भी रहे। एक नंबर पे तो लोग इसी तरह से एक नंबर बनाए हैं, और एक नंबर पे हमारा चुनाव चिन्ह भी है, और आप एक बहुत जगह इंटरव्यू किए होंगे, फल हम इन लोगों को मिलेगा, फल हम इन लोगों को छाप है, और लोगों का किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, लेकिन फल है और फल हम ही को मिलेगा। मतलब कि नारियल जो बिल्कुल फल है, बिल्कुल फल आपको मिलने वाला, बिल्कुल। ताली भाई, धन्यवाद, थैंक यू।
तो साथियों देखा बात की ग्राम पंचायत राज मझौले से एक प्रत्याशी जो वर्तमान में बीडीसी पद में सम्मिलित है लेकिन इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं बीडीसी ही से और जनता का समर्थन इनको मिल रहा है, काफ़ी जनता समर्थन दे रही है। देखना ये होगा कि चुनाव जीतने के बाद से इस बार किस तरह से मुद्दे को उठाकर अब पंचायत का विकास करने वाले हैं। इनका कहना है कि मैं 5 साल का जो कार्यकाल रहा अच्छा मैं विकास के काम किया हूँ, अब वक्त बताएगा कि इस बार किस तरह से विकास का काम करेंगे। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरा रोहित के साथ। नमस्कार, जय हिंद।